भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। भारतीय क्रिकेट टीम के सलमान फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज भी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुसलमान भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने टीम के साथ तस्वीर शेयर करते हुए समाजी राब्ते की साइट एक्स पर कैप्शन लिखा कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिस पर हिंदू इंतहा आपस से बाहर हो गए। हिंदू इंतहा पसंद सार्फीन ने मुसलमान फास्ट बॉलर को ट्विटर पर तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि ये अल्लाह की नहीं टीम इंडिया की जीत है, ये कप्तान रोहित शर्मा की फतह है। एक और शख्स ने लिखा कि अगर अल्लाह ने करना होता तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतता, भारत नहीं। दूसरी जानी भारत में क्रिकेट भी मजहबी तासुब की भेंट चढ़ गया। हिंदू तवा के हामी हुंडों की जानिब से मुस्लिम खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में अच्छा मुजाहरा करने के मुखालफत पर माहौल में तनाव पैदा हो गया था। मकामी लोगों का कहना था कि मैच से पहले ही हिंदू इंतहा पसंदों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए माहौल को कुशीदा बना दिया। सलमान वोहरा नामी मुसलमान तमाशाई पर हमले से कबल ही नशे में धुत हिंदू बुलवाई स्टेडियम में मुस्लिम तमाशाइयों को हिरासा कर रहे थे। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। भारतीय क्रिकेट टीम के सलमान फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज भी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुसलमान भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने टीम के साथ तस्वीर शेयर करते हुए समाजी राब्ते की साइट एक्स पर कैप्शन लिखा कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिस पर हिंदू इंतहा आपस से बाहर हो गए। हिंदू इंतहा पसंद सार्फीन ने मुसलमान फास्ट बॉलर को ट्विटर पर तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि ये अल्लाह की नहीं टीम इंडिया की जीत है, ये कप्तान रोहित शर्मा की फतह है। एक और शख्स ने लिखा कि अगर अल्लाह ने करना होता तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतता, भारत नहीं। दूसरी जानी भारत में क्रिकेट भी मजहबी तासुब की भेंट चढ़ गया। हिंदू तवा के हामी हुंडों की जानिब से मुस्लिम खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में अच्छा मुजाहरा करने के मुखालफत पर माहौल में तनाव पैदा हो गया था। मकामी लोगों का कहना था कि मैच से पहले ही हिंदू इंतहा पसंदों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए माहौल को कुशीदा बना दिया। सलमान वोहरा नामी मुसलमान तमाशाई पर हमले से कबल ही नशे में धुत हिंदू बुलवाई स्टेडियम में मुस्लिम तमाशाइयों को हिरासा कर रहे थे।